कन्नौज के गुरसहायगंज कोतवाली क्षेत्र में काफी समय से सक्रिय बिच्छू गैंग के सदस्यों ने 4 लोगों की बेरहमी से पिटाई कर दी, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई, जिसके बाद मृतक के परिजनों में जमकर आक्रोश भरा पड़ा है। परिजनों की तहरीर पर पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। लोग अकबर उससे गुरसहायगंज स्विमिंग पूल में नहाने गए थे तो सब लोग कूद रहे थे, तो उन लोग को मना किया तो उन लोग गाली गलौज करने लगे। वो दारू तो पिए थे सब लोग, तो गाली गलौज के ये भतीजा दौड़ा तो मैं इसको पकड़ के 2-3 मारे। मैं बोला लफड़ा मत करो, मेरा भाई मारा। तो यहाँ से एक और आके पीछे से लात मारी, पानी में गिरा जाके स्विमिंग पूल में। तो वो रोड निकाल लाया लोहिया की, तो उसमें उन लोग फोन कर करके आए, हम लोग को स्विमिंग पूल वाला बंद कर दिया कमरे में बंद कर दिया, और उन लोग 2 दरवाजा तोड़ के हम लोग को निकाल के तब मारे। उन लोग बिच्छू गैंग के थे, वही गुरसाईगंज के थे। तो स्विमिंग पूल है गुरसाईगंज, वहाँ हमारे यहाँ अकबरपुर के ये 6 लड़के नहाने के लिए गए, तो वहाँ जब ये नहा रहे तो उन लोगों ने बताया कि वहाँ पर कुछ लोग आए और नशे में थे, नशे की हालत में इनसे चिपके चिपके, तो इसमें इनकी कहा सुनी हुई। उसके वो लोग इसके स्विमिंग पूल के जो थे उनके नाम नहीं मालूम है, बिच्छू गैंग है, बिच्छू गैंग करके बहुत शातिर गैंग है। तो इन्होंने 6 लोग थे तो इन्होंने मारा पीटा, तो कुछ लोग थे इन्होंने 3 लोगों को अंदर बंद कर दिया बिच्छू ने, और 3 लोग बाहर निकल आए। जब ये लोग आए तो किवाड़ा खोल के और इन्हें पकड़ के खींचा और फिर इन तीनों लोगों को बहुत मारा। चौकी समधन थाना गुरसहायगंज क्षेत्र में खेतों के बीच एक स्विमिंग पूल बना रखा है, उस स्विमिंग पूल में 20 तारीख को 2 पक्षों के बीच मारपीट की घटना हो गई थी। इसमें थाना गुरसहायगंज पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए तत्काल अभियोग पंजीकृत किया गया था, 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया था और उनको माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया था। इसमें आज सुबह पुलिस को सूचना मिली कि घायलों में एक व्यक्ति अरबाज, जिसकी उम्र 20 साल के आसपास है, उसकी इलाज के दौरान मृत्यु हो गई है। पुलिस द्वारा जो है बॉडी को मोर्चरी भिजवाया गया है, पंचायतनामा भर के PM की कार्रवाई करवाई जा रही है। इसमें जो अभियोग पंजीकृत किया गया है उसमें सुसंगत धाराओं की बढ़ोतरी करके अन्य लोगों की गिरफ्तारी हेतु 3 टीमों का गठन किया गया है, कुछ अन्य लोगों को हिरासत में लिया गया है, आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। महोबा जिले की पत्थरमंडी पहाड़ की खदान में एक युवक का शव पानी में तैरता हुआ मिला, जिससे लोगों में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि मृतक पहाड़ में मजदूरी का काम करता था, लेकिन बीते 6 दिनों से मजदूर लापता था, जिसकी तलाश परिजन कई दिन से कर रहे थे। फिलहाल सूचना मिलने पर पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पहाड़ मिलो है आज उतरा तो तब मरे गांव गली ने जानो बताओ तो पता करो गन। क्या घर से कितने दिन से लापता था? 6 दिन, ये 5-6 दिन पहले जैसा भी पति पत्नी का झगड़ा से जो भी हुआ हो हमें पता चला था कि कहीं चला गया। 5-6 दिन बाद एक वो बंद पड़ी खदान में तैरता हुआ मिला। कितने साल का था, क्या करता था? यही ऐसे पहाड़ में होल वाल मजदूरी का काम, लेबर गिरी का, और ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं था। और 2 बच्चियां हैं छोटी छोटी। कबरई क्षेत्र के अंतर्गत रमकुंडा पहाड़, जहां एक बंद पड़ी खदान जिसमें पानी भरा हुआ है उसमें एक शव के पड़े होने की सूचना थाना कबरई को प्राप्त हुई, जिस पर तत्काल थाना कबरई पुलिस मौके पर आई तथा गोताखोरों की मदद से शव को बाहर निकाल के पंचायतनामा की कार्रवाई की गई तथा शव को वास्ते पोस्टमार्टम भेजा गया है। बहराइच से एक शातिर बाइक चोर की पुष्टि हुई है। बताया जा रहा है कि चोर अब तक कई बाइक को चुरा कर रफू चक्कर हो चुका है और चोरी की ही बाइक को अपनी 3 बहनों को दहेज के रूप में भी ये चोर दे चुका है, जिसके बाद पुलिस मामले की जांच कर रही है। न्यू सिटी और प्रभार निरीक्षक कोतवाली देहात की टीम ने एक बाइक चोर पकड़ा है, जो पेशे से बाइक मिस्त्री है। ये सभी जो मैरिज हॉल है वहाँ से बाइक चोरी करता था और इसमें से 3 बाइक इसने अपने बहनों को दहेज में दिया हुआ है, और इसका एक और सहयोगी है रफीक अली, जिससे भी 3 बाइक बरामद हुई है। वो तो फरार हो गया लेकिन घर से 3 बाइक बरामद हुई है। ये दोनों मिल करके चोरी करते थे और बाकी कुछ गाड़ियों का डिस्पोजल करते थे। ये भी इसमें से जो कुल 7 गाड़ियाँ, 7 गाड़ियों में से 6 कलेक्ट हो गई हैं, जो विभिन्न जन स्थानों पर FIR पंजीकृत हुई है। नहीं, ये कोई आपराधिक इतिहास नहीं रहा, लेकिन अभी फर्स्ट इनका आपराधिक इतिहास, जिसमें 7 वाहन चोरी पकड़े गए।
लखनऊ के राजाजीपुरम इलाके के तालकटोरा थाना क्षेत्र में बीती 16 जून को महिला से चैन लूटने की घटना का पुलिस ने खुलासा कर दिया। इस मामले में पुलिस ने लूट करने वाले एक नाबालिग समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं एक आरोपी अभी भी फरार बताया जा रहा है। पुलिस ने आरोपियों के पास से बाइक और लूटी हुई चैन बरामद कर ली है। अभी एक अभियुक्त फरार है जो मुख्य अभियुक्त है इस पूरे घटना का, उसके गिरफ्तारी के बाद और चीजें क्लियर। इनका मोटो क्या रहा है, जो कभी लूटते थे क्या करते थे, कभी किस नशे में लग रहे हैं? लेकिन नशे के आदि होने का तो कोई बात इन्होंने नहीं बताई है। निश्चित तौर पे शौक पूरा करने के लिए ही ये सारे काम, शौक अपने पूरा करने के लिए। ये तीनों किशोर वय के लड़के हैं, एक बाल है, बालअपचारी है, 2 मेजर हैं, लेकिन उम्र इनकी अभी युवा ही है। बिल्कुल एक पास के ही रहने वाले हैं, आपस में इनका बहुत पहले से ही संबंध है, एक ही मोहल्ले के ये सभी रहते हैं। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए चुने आदर्श जनता विद्यालय, गोलाकस्ता रोड, उमरपुर, लखीमपुर खीरी। एडमिशन के लिए आज ही संपर्क करें। कॉस्मो लेजर डेंटल क्लिनिक एंड डेंटल इम्प्लांट सेंटर जो देता है आपको वर्ल्ड क्लास की बेहतरीन डेंटल सुविधाएं। पता प्रथम तल वृंदावन टावर ऑपोजिट होटल जेके पैलेस सिविल लाइंस प्रयागराज उत्तर प्रदेश। संपर्क करें 3938822172। गुड़गांव के टॉप ब्यूटी सलों में से अबाउट यू नेल्स एंड ब्यूटी सलों एंड एकेडमी, जहां मिलता है आपको नेल एक्सटेंशन जैसे सभी तरह की कॉस्मेटिक सेवाएं। पता 17 बेसमेंट हुडा मार्केट सेक्टर 40 गुड़गांव। संपर्क करें 9555299960। वॉलपेपर की बेहतरीन डिजाइन के साथ इंटीरियर और एक्सटीरियर के कार्यों का बेहतरीन अनुभव केसरवानी पेंट्स एंड हार्डवेयर। पता जवाहरलाल नेहरू रोड निकट पार्वती हॉस्पिटल प्रयागराज। मेडिको हॉस्पिटल एंड सुपर स्पेशलिटी सेंटर, जहां होता है स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की निगरानी में बेहतर इलाज। संपर्क करें 9455270200। पता नए हाईकोर्ट के सामने स्माइलगंज फैजाबाद रोड लखनऊ। दशकों से प्रयागराज के विश्वसनीय शैक्षणिक संस्थानों में से एक वैभव क्लासेस, जहां मिलता है शिक्षा का बेहतर एनवायरमेंट अनुभवी शिक्षकों के साथ। पता नियर ऑटो सेल्स बिल्डिंग सिविल लाइंस प्रयागराज। babasahibshadi.com ये पोर्टल वेबसाइट शादी विवाह के रिश्तों के लिए ये बहुत ही भरोसेमंद और बेहतरीन पोर्टल वेबसाइट है। अभी तक बहुत सारे लोगों ने इस पर भरोसा किया है और मन चाहा रिश्ता पाया है। ये पूर्णतः सुरक्षित है। आप आज ही अपना निशुल्क पंजीकरण कराएं और मन चाहा रिश्ता पाएं। गोयल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल आपके लिए लेकर आया है वर्ल्ड क्लास हार्ट केयर फैसिलिटीज, जहां होता है हार्ट समेत सभी बीमारियों का बेहतर इलाज। संपर्क करें अयोध्या रोड चिन्हट लखनऊ। माँ सरस्वती शिक्षण संस्थान मदुरी, राजकीय मान्यता प्राप्त विद्यालय, जहाँ होता है भविष्य निर्माण। एडमिशन के लिए आज ही संपर्क करें और अपने बच्चों को दिलाएं बेहतर शिक्षा। जिला खीरी, उत्तर प्रदेश। MGM हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, एडवांस न्यूरो एंड स्पाइन सर्जरी सेंटर, आपका स्वास्थ्य ही हमारी प्राथमिकता। पता झलवा प्रयागराज। एम प्लैनेट डिजिटल वर्ल्ड लेकर आया है इलेक्ट्रिक स्कूटर की दुनिया में नई क्रांति। बेहतर कंफर्ट, आधुनिक सुविधाओं से लैस रोड का नया बादशाह। इलेक्ट्रिक स्कूटी अपनाए प्रदूषण को कहे बाय बाय। पता प्रोफेसर कॉलोनी कमला नगर आगरा। मस्तिष्क मनोरोग नस एवं नशा मुक्ति के विशेषज्ञ डॉक्टर राकेश पासवान। पता सीताराम हॉस्पिटल दरभंगा कॉलोनी लाउदर रोड प्रयागराज। करी भोजपुरी के पहला स्टोरी टेलिंग मोबाइल ऐप यायावरी वाया भोजपुरी प्ले स्टोर से, और डूब जाएं दुनिया भर के कहानियों के अद्भुत सागर में आपन भाषा भोजपुरी में। यायावरी वाया भोजपुरी, कथा कहानी आपन।